हेलो स्टूडेंट्स, हम यूनिट 8 में कंटिन्यू कर रहे हैं विथ इल्यूस्ट्रेशन 8.1। ओके, तो फिगर मैंने यहाँ पे लिख दी है, ड्रॉ कर दी है। जो इसकी वैल्यू जो है वो हम बुक में से पढ़ेंगे, तो आप अपनी बुक में देखो। ठीक है, सो एग्जांपल 8.1। लेट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट द पेरिहेलियन पी इन फिगर 8.1 ए। ये फिगर 8.1 ए जो है, ये फिगर हमने कौन से लॉ में यूज की है? द लॉ ऑफ ऑर्बिट। ओके, बी वीपी एंड द सन प्लैनेट डिस्टेंस एस पी बी आर पी। चलो देखते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट द पेरिहेलियन। पेरिहेलियन मीन्स ऐसा पॉइंट जो सेंटर यानी सन से नियरली हो, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, विच इज आर पी। एंड द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट पॉइंट पी इज वीपी, वो आपको दिया गया है। रिलेट आर पी वीपी टू द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज एट द एपिहेलियन एफिलियन आर ए वी ए। अगर यहाँ पे पॉइंट पी के पास उसकी स्पीड वीपी है, तो पॉइंट ए के पास उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? वीए होनी चाहिए, और जो डिस्टेंस है बिटवीन एच टू ए विच इज आर ए होना चाहिए, राइट? नाउ विल द प्लैनेट टेक इक्वल टाइम टू ट्रावर्स बी ए सी एंड सी पी बी? क्वेश्चन मार्क है। तो रिलेट आरपीवीपी टू द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज एट द एफिलियन आर ए वी ए। आरपीवीपी और आर ए वी ए में क्या रिलेशन है वो हमें प्रूव करना है। दूसरा कि प्लैनेट के लिए जो बी ए सी और सी पी बी डिस्टेंस है वो ट्रेवल्स करने में उसको क्या सेम इक्वल टाइम लगेगा, तो वो भी हमें प्रूव करना है। ओके, तो हम अभी देख रहे हैं ये एग्जाम्पल। तो कैसे मिलेगा हमें? तो आपके पास जो फिगर है और जो वैल्यू दी गई है, उसमें आपको एक वेलोसिटी दी गई है और डिस्टेंस दिया गया है। अब यहाँ पे देखो, वेलोसिटी दी गई है और डिस्टेंस दिया गया है, और उसकी जो ट्रावर्स की कंडीशन जो है वो इलिप्स के हिसाब से है, सर्कुलर के हिसाब से है। तो हमें कौन सा इक्वेशन यहाँ पे यूज करना चाहिए? तो अगर ये रोटेशन कर रहा है सर्कल में, तो उसके लिए एंगुलर शब्द ही आएगा। यहाँ पे एंगल के हिसाब से रोटेशन करेगा, तो एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से हम चलेंगे। सो हियर इज द, आई थिंक फिगर आपको समझ में आ गई होगी, सिर्फ यही लगाना है। द डिस्टेंस बिटवीन एस पी इज आर पी एंड एट पॉइंट पी द स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज वी पी। सेम हियर वी ए और वी आर। ओके, सो फ्रॉम द फिगर the angular momentum at angular momentum of planet at point P is LP is equal। क्या इक्वेशन मिलेगा? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? हम लॉ ऑफ एरियाज में वो हम डिराइव कर चुके हैं, और आई थिंक आप 6 और 7 यूनिट में भी सीख चुके होंगे। तो यहाँ पे देख लो क्या आएगा, आर क्रॉस पी। एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन क्या है? आर क्रॉस पी, पॉइंट पी के हिसाब से हम ले रहे हैं। ओके, वेयर पी इज द मोमेंटम। ओके, तो मोमेंटम का इक्वेशन क्या है? आर पी एम पी वी पी, पी इज इक्वल एम वी, पॉइंट पी के हिसाब से लिख रहे हैं। ओके, चलो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ सेम, ये तो पॉइंट पी के हिसाब से हो गया, अब हमें पॉइंट ए के हिसाब से लेना है। तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट एट पॉइंट ए इज एल ए इज इक्वल। चलो क्या मिलेगा एज इट इज, आर ए एम ए एंड बी ए, इक्वेशन नंबर 2।
क्लियर। नाउ कंपेयर दिस बोथ इक्वेशन, क्योंकि हमें इसके बीच का रिलेशन ही फाइंड करना है। कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू, तो LP इज इक्वल LA, LP यानी RP, MP, VP इज इक्वल RA, MA, VA, कितना इजी एग्जांपल है। चलो क्या रिलेशन मिल सकता है हमें यहाँ पे, कोई ऐसी क्वांटिटी है जो इसमें से कैंसिल हो सके? कोई सेम क्वांटिटी दिख रही है आपको? मुझे तो दिख रही है, आपको भी दिखनी चाहिए इसमें। ओके, विच इज मास। वाई? बिकॉज द मास ऑफ एनी प्लैनेट एट एनी सिचुएशन एट एनी पॉइंट देर आर सेम इक्वल। ओके, तो अगर इफ द प्लैनेट इज एट पॉइंट पी देन मास इज एम, सो इज इक्वल एट पॉइंट ए, राइट? उसका मास चेंज नहीं हो सकता, तो क्या कैंसिल हो जाएगा? एम पी और एम ए कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो हमें रिलेशन क्या मिलेगा? आर पी वी पी इज इक्वल आर ए वी ए। चलो तो इक्वेशन हम बना लेते हैं वेलोसिटी के हिसाब से। वीपी डिवाइड बाई क्या होगा? वी ए इज इक्वल राइट साइड आर ए डिवाइड बाई आर पी। क्लियर? चलो अब यहाँ पे फिगर के हिसाब से जो क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है और कौन सा कम है, उसके हिसाब से अगर ले तो सी हियर द डिस्टेंस बिटवीन एच टू पी विच इज स्मॉल कंपेयर विद द डिस्टेंस एच टू ए, सो व्हाट कैन बी रिलेशन बिटवीन दिस पॉइंट पी एंड पॉइंट ए? तो आर ए ग्रेटर आर पी, आर पी। वाई? बिकॉज दिस डिस्टेंस इज लार्जर देन आर पी, राइट? सो क्या चेंज रहेगा? वेलोसिटी का रिलेशन क्या मिलेगा हमें? इफ दिस डिस्टेंस इज लार्जर देन दिस आर पी देन द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट इज स्मॉलर देन दिस पॉइंट। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है तो वेलोसिटी ज्यादा ही रहेगी उसकी। ओके, उसको टाइम कम लगेगा उतनी वेलोसिटी में, तो यहाँ पे जो टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसी के हिसाब से हमें वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा। देन वीपी ग्रेटर वीए। क्लियर? तो ये रिलेशन आपको मिल गया दोनों के बीच की क्वांटिटी के हिसाब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि बी ए सी एंड सी पी बी, ये जो डिस्टेंस है तो उसको ट्रैवल करने में प्लेनेट को क्या इक्वल टाइम लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो आप देख रहे हो, ये जो एरिया है, ये इसके कंपेयर में कैसा है? तो ज्यादा है, राइट? तो इसीलिए आपको प्लेनेट को जो है सी पी बी डिस्टेंस ट्रैवल करने में कम टाइम लगेगा और इसको ट्रैवल करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो वही हम वर्ड्स में लिखेंगे, हियर Here, the area BAC, sorry SBAC, area SBAC is larger than SC SBPC SBPC. So the planet will take larger time, longer time. So the planet will take longer time to traverse which distance? Longer time traverse BAC distance than CPB and CPB. Clear? Thank you.
एग्जांपल है, आप इजीली काउंट कर सकते हो, अपने हिसाब से भी आप समझ सकते हो। टू मार्क्स के लिए आए हुए हैं, सो अच्छे से देखना और प्रैक्टिस करना। थैंक यू।